नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। उत्तर प्रदेश के बांदा में आज उस समय हड़कंप मच गया जब अनाज की दुकान में रखवाली करने वाले चौकीदार की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। जैसे स्थानीय लोगों को इस हत्या के बारे में जानकारी लगी तो पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। उसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे संबंधित थाने के पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए बांदा पुलिस अधीक्षक ने भी घटना स्थल पर पहुंच पूरे मामले का संज्ञान लिया। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के बिसंडा थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहां अनाज की दुकान में काम करने वाले एक चौकीदार को कुछ अज्ञात लोगों ने उसी अनाज की दुकान के अंदर उसके निर्मम तरीके से हत्या कर दी और उसके बाद आरोपी फरार हो गए। फिलहाल जैसे ही पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं पूरी घटना की जानकारी देते हुए बांदा पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि आज सुबह कस्बे के अनाज की दुकान में काम करने वाले एक चौकीदार की हत्या कर दी गई, जिस पर मैंने भी मौके पर पहुंचकर पूरी घटना का जायजा लिया। प्रथम दृष्टया घटना स्थल को देखकर तो यह लग रहा था कि जिन लोगों ने घटना का अंजाम दिया उनका उद्देश्य चोरी का था, लेकिन जब गहनता से जांच की गई तो दुकान के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सामान नहीं ले जाया गया। गल्ले में पूरे पैसे पड़े हुए थे, जिसको लेकर यह भी प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं यह मामला दुश्मनी का भी हो सकता है। इसी को लेकर पुलिस के द्वारा हर एंगल पर जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेजने का काम किया जाएगा। जीबीएन 24 के लिए बांदा से शुभम सिंह की रिपोर्ट। आज सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास ये सभी लोग को सूचना मिली कि यहाँ बिसंडा के मेन बाज़ार में एक गल्ले की दुकान है, जिसके चौकीदार की डेड बॉडी वो दुकान में पड़ी है। तत्कालीन सूचना पर हम सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुँच गए हैं। जो प्रथम दृष्टया देखकर लग रहा है सीन ऑफ क्राइम को कि चोरी के उद्देश्य से इसमें घुसने का प्रयास हुआ है, और उसके बाद जब चौकीदार ने कुछ रेसिस्टेंस ऑफर किया है तो उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। इसमें जो जांच की गई, जो गल्ले की दुकान में जितना भी कैश था वो इंटैक्ट है, उसमें से कुछ गया नहीं है। तो इस वजह से हम लोग और एंगल्स पर भी जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई दुश्मनी या कोई और एंगल भी तो नहीं है इस हत्या में। पूरी तरह घटना में कई टीमों को लगा दिया गया है, सर्विलांस की मदद ली जा रही है, बॉडी को मॉर्चरी भिजवा दिया गया है, आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।